एक आदमी बहुत परेशान था, कुछ नहीं था उसके पास, उसके खुद के बीवी बच्चों ने ताना मारना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि मेरा कोई नहीं है, जब उसे लगा कि मेरा कोई नहीं है, तो उसने सोचा कि जिंदगी खत्म कर दूं। कभी मत सोचना जिंदगी खत्म करने की। निकल पड़ा घर से, आधी रात को जा रहा था आत्महत्या करने के लिए। अचानक उसे एक आवाज आई, हारे के सहारे की। उसने देखा कि मेरे से ज्यादा हारा हुआ तो कोई है ही नहीं, ये हारे का सहारा कौन है। उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। उसने देखा ऐसा बड़ा दरबार लगा है, एक देव बैठे हैं जिनका सिर्फ शीश नजर आ रहा है, हाथ और पांव नजर नहीं आ रहे, लेकिन दुनिया पागलों की भांति कीर्तन कर रही है, जयकारे लगा रही है। वो बिल्कुल पीछे बैठ गया। 10 मिनट बाद उसको अपना होश नहीं रहा, वो भी रंग में रंग गया। सारी रात कीर्तन में बैठा रहा, सुबह आरती के बाद मरना भूल गया। बगल में बैठे श्याम प्रेमी से पूछा, ये कौन है? कहा, यहां जिंदगी बनती है। उसने कहा, मेरी तो पूरी की पूरी बिगड़ी हुई है। कहा, यही तो वो दरबार है जिसको कहते हैं हारे का बाबा श्याम। भले ये वो दरवाजा है जिसके अंदर लोग परेशान घुसते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो हंसते हुए निकलते हैं। श्याम प्रेमी ने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन अगर सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो एक बार उस दरवाजे के अंदर चले जाओ। उस हारे हुए प्राणी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, भाई कहां है तुम्हारा बाबा? मेरे पास तो पास में जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं। उस श्याम प्रेमी ने अपने पॉकेट में से हाथ डालकर जो निकला निकाल कर दे दिया। कहा, जा और बाबा के दरबार में पहुंच जा और फैला दे पल्ला और कह दे अपनी करुण पुकार। चल पड़ा बाबा के दरबार के लिए। बाबा के दरबार में पहुंचा, पहली सीढ़ी पर कदम रखा और पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे करंट का झटका लगा। उसे लगा कि यहां पर कुछ बात है। 13 सीढ़ी चढ़ता चला गया। बाबा के मंदिर में 13 सीढ़ी है और वो इसलिए है कि 13वीं सीढ़ी पर कदम रखकर अगर आपने कह दिया कि 13 तुझको अर्पण, तो उसको स्वीकार कर लेता है बाबा। बाबा के सामने पहुंचा और जब बाबा के चरणों से नजर उठकर बाबा की आंखों से आंखें मिली, तो उसकी आंखों के आंखों में आंसुओं की धार बह निकली और उसने चित्कार लगाकर बाबा से क्या पुकार लगाई। आइए सभी मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, नाव भट के मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे नैया होगी टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार, ओ श्याम अब हाथ तू आके लगा जा, हारे के हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा
किसको किसको सहारा चाहिए, किसको किसको पकड़ लेगा बाहों को, पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, हारे के सहारे बता, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, तेरे कैसे होगी सरकार, हो तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, ओ श्याम आके अब तू धीर बना जा, विश्वास है कि हारने नहीं देगा, किसको किसको विश्वास है, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगाकर बारह द्वार वाले बोलेंगे क्या, और थोड़ा जोर से, साचे।